हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं आप कल्चर इन्फो मस्ती। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली अतिथि शिक्षक की भर्ती, जो वैकेंसी निकली है 2020 के अंदर TGD और PGD के बारे में। तो इसकी अंतिम तिथि 10 दिसंबर है, तो आपको जल्दी भरना पड़ेगा इस फॉर्म को। और मैं इस वीडियो में आपको सबसे आसान और सबसे सही तरीका बताने वाला हूँ, तो बने रहें इस वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के ज़रूर जाना। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दिल्ली गैस टीचर का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको पहले क्रोम ब्राउज़र में आना है। आप इसे अपने फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्रोम ब्राउज़र में आ चुका हूँ, यहाँ देख सकते हो। और यहाँ सिंपल से एक वेबसाइट आपको टाइप करना है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो, www.edu.dl.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक कर देना। वेबसाइट पे आने के बाद अब इस वेबसाइट का इंटरफेस देख सकते हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये वेबसाइट है, यहाँ देखो दिल्ली की, यहाँ स्टूडेंट सब कुछ मिल जाएगा आपको, जो भी आपको चाहिए इसके अंदर, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसी वेबसाइट पे आके आप निकाल सकते हो। तो आपको सिंपली ऊपर आना है रिक्रूटमेंट में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ये ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको सेकंड नंबर पर आना है, जाने का गैस टीचर रिक्वायरमेंट 2020-21, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ देखो लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट गैस टीचर ऑफ एकेडमिक ईयर 2020-21। आपको सिंपली देखो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ इस पर, ओके, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप डायरेक्टली आप फॉर्म पे पहुँच जाओगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ देख सकते हो ये आपका एक फॉर्म खुल चुका है, जिसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। पहले आपको ये नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, जो नोट 1, 2, 3, 4, 5 दिए हुए हैं। इसमें ये लिखा हुआ है पहले नोट में कि जो भी गेस्ट टीचर पहले से काम करें उन्हें फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, उनका डाटा ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास है। और सेकंड नोट में ये लिखा है जिन्होंने भी इंटीग्रेटेड बीएड करी, मतलब ग्रेजुएशन के साथ बीएड करी है, तो वो सेम मार्क्स लिखेंगे बीएड में और ग्रेजुएशन के कॉलम में। और थर्ड में ये कह रहे हैं जो भी डेट ऑफ बर्थ नेम वगैरह है वो सही से डालने पड़ेंगे आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार या 12th के सर्टिफिकेट के अनुसार। और जो चौथा कॉलम है वो 12th का रोल नंबर, पासिंग ईयर, ये सब अच्छे से भरना है। और नो करेक्शन, कोई भी करेक्शन नहीं होगी। तो आपको नियरेस्ट स्कूल फ्रॉम योर एड्रेस, आपके एड्रेस से नियरेस्ट स्कूल कौन सा पड़ता है, तो मैंने वो फिलअप कर दिया, आप भी उसे फिलअप कर देना है। और कौन सी पोस्ट के लिए आपको करना है, तो यहाँ देख लो बहुत सारे लेक्चरर्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, EVGC, GC, मैथ, फिजिक्स, ये सब हैं। तो मैंने मैथ्स के लिए कर दिया, मैंने TGT मैथ्स के लिए, ठीक है। यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, जैसे मेरा फर्स्ट नेम नरेश है तो मैंने अपना नरेश फर्स्ट नेम डाल दिया है। आप अपना मिडल नेम डाल सकते हो, फिर लास्ट नेम डाल सकते हो, फिर देन अपना आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर ज़रूरी है, आधार कार्ड नंबर ज़रूर डालना है। तो आधार कार्ड नंबर डालना है, तो यहाँ आधार कार्ड नंबर डाल दोगे। यहाँ आप अपना फादर नेम और वो जो भी 10वीं के सर्टिफिकेट होगा एज इट इज़ ही डालना आप, ठीक है। और यहाँ आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल सकते हो आप। और यहाँ अपना पिन कोड डाल देना, ठीक है। अब यहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जो भी आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है आप वहाँ शेयर कर सकते हो मोबाइल नंबर पे, ठीक है। देन आपको अपनी ईमेल आईडी शेयर करनी है, आपको ईमेल आईडी नीचे आप देख सकते हो, ईमेल आईडी का कॉलम है, पहले आप मोबाइल नंबर फिलअप कर देना, फिर देन नीचे देख सकते हो ईमेल आईडी का कॉलम है, तो आपको वहाँ अपनी ईमेल आईडी कर देना, इसी पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह आते रहेंगे। तो बाकी आप नीचे देख सकते हो स्टेट, तो किसी भी जिस भी आप स्टेट में बिलोंग करते हो उस स्टेट का करना है। मैं दिल्ली में करता हूँ तो दिल्ली में टाइप करूँगा, ठीक है। आप जहाँ भी मध्य प्रदेश में, यूपी में, कहीं भी है तो आप वो स्टेट चूज़ कर सकते हैं। आप जेंडर चूज़ करना, मेल फीमेल, ठीक है। और कैटेगरी चूज़ करना SC ST OBC, सबके लिए ही फ्री है, तो आप कोई भी चूज़ कर लेना, बाकी आप जो है कैटेगरी वो चूज़ करो। तो जनरल मैंने कैटेगरी चूज़ कर लिया है, ठीक है। डिसेबिलिटी नॉन कर देना, अगर है तो आप अपने हिसाब से करना, बाकी नन, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ करना है, और ऑटोमेटिकली ये डेट ऑफ बर्थ जब डालोगे तो कैलकुलेट हो जाएगी कि कितने साल के हो, कितने मंथ के हो, कितने दिन डे के हो। अगर नहीं होती तो कैलकुलेट एज पे जाके क्लिक कर सकते हो। अब मेन टॉपिक आया 17 नंबर, एजुकेशन, जो भी प्रोफेशनल जो डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, उन्हें भरना। तो पहले हमें सेकेंडरी एजुकेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो पहले देख सकते हो सेकेंडरी लिखा हुआ है उसको आप इनको क्लिक कर देना है। और नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो मैंने CBSE से करा, आपने MP बोर्ड से करा तो MP बोर्ड कर सकते हो, UP बोर्ड से करा तो UP बोर्ड भी टाइप कर सकते हो। तो ये ड्यूरेशन कितने साल का था, 1 साल की थी, क्लिक करा, ठीक है। आपने जब पास किया उस पर मार्कशीट पर डेट लिखी होती है, वो डेट डाल देना, तो ये मैंने जून में कराया, आप वो वाली डेट डालना जो भी आपकी मार्कशीट में लिखी होगी। और कितना परसेंटेज आया, परसेंटेज
मैच कर लेना इसके अंदर, ठीक है, वो काउंट करके अच्छे से कैलकुलेट करके। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ये कंट्रोल जो लिखा CTRL, इसको प्रेस करके ही आपको सब्जेक्ट को चूज़ करना, मतलब सेलेक्ट करना है। तो देखो मुझे मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट कर सकते हैं, तो जो जो आपके सब्जेक्ट लिखे हो मार्कशीट के अंदर वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेना, मतलब सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ आप देखो मैं कर लेता हूँ धीरे धीरे करके, जैसे इंग्लिश हिंदी ये सब थे हमारे 5 सब्जेक्ट थे, तो ये कर सकते हो, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट है, आप कुछ भी कर सकते हो जितने भी आपके सब्जेक्ट दिए हों। तो मैं अपने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हो धीरे धीरे करके। तो पहले मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, अकाउंटेंसी वगैरह ये सब, ये 10th में नहीं थे हमारे पास, ठीक है। तो देन मैं नीचे आता हूँ, ओके, और नीचे आ जाता हूँ, और नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, और नीचे आ जाता हूँ। देन अब यहाँ देख सकते हो सोशल साइंस, ठीक है, जूलॉजी भी है, और ऊपर आ जाओ, ठीक है, सोशल साइंस, सोशल साइंस था मेरे सब्जेक्ट में, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा कंट्रोल दबा के, ध्यान रखना है कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, ठीक है। देन ऊपर आ जाता हूँ थोड़ा और ऊपर, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी मेरे में था तो मैंने मैथमेटिक्स भी सिलेक्ट कर लिया। देन ऊपर आ जाता हूँ, हिंदी भी था मेरे में, तो देन मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपके मार्कशीट में लिखी हो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन आगे इंग्लिश भी था तो इंग्लिश भी मुझे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सब सब्जेक्ट संस्कृत भी सिलेक्ट करके, और ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे तो रिफ्रेश करेगी आपकी विंडो, और नीचे आप देख सकते हो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखो पूरे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो जो आपने सिलेक्ट कर रखे हैं, और डिटेल्स आ जाएगी कि कौन सा सन में आपने किया और कितनी परसेंटेज वगैरह है। अब सेकेंडली आपको करना है सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करना है आपको, वही जो आपका बोर्ड है, आपका MP बोर्ड है, UP बोर्ड है, या CBSE है, जो भी बोर्ड लिखना है, ड्यूरेशन लिखनी है, एक साल, जितने भी साल की आपने की हो एक साल ड्यूरेशन, और आपकी मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे डेट लिखी होती है वो डेट लिखना, ठीक है, जो भी आपकी डेट लिखी है वो डेट, और यहाँ अपनी परसेंटेज डाल देना। तो मैं वो डेट डाल देता हूँ एक बार, ठीक है, और यहाँ मैं अपनी परसेंटेज डाल देता हूँ जो भी मेरी परसेंटेज आई थी 12th में, और यहाँ अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। तो अकाउंटेंसी वगैरह ये था मेरे पास कॉमर्स में, तो आप कॉमर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी कॉमर्स भी दिया हुआ है, बाकी 5 सब्जेक्ट मैंने चूज़ करे, आप भी 5 सब्जेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने मैथमेटिक्स कर रखा है, मैथमेटिक्स कर लिया मैंने, ठीक है, आप नीचे आ जाओ, आप कॉमर्स भी कर सकते हो और 5 सब्जेक्ट भी कर सकते हो अलग से, ठीक है। तो ये देखो मैंने 5 सब्जेक्ट कर लिए, अकाउंटेंसी, बिजनेस, ये सब मैंने कर लिए, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे अपन को ग्रेजुएशन की डिग्री आपको सिलेक्ट करनी है, तो इस पर सिलेक्ट पे जाते हैं। तो BSc कर रखी, BA कर रखी, जो भी आपने कर रखा ये BCom, इस पर सिलेक्ट कर लेना। मैं BSc है तो BSc पे मैंने क्लिक किया। देन आपने कहाँ से कर रखी, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रखी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आप यहाँ टाइप कर दोगे, ठीक है, या आपने कहीं से भी करी हो, MP से करी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम रख दोगे, ये 3 साल की थी, इस पर क्लिक कर दोगे, और यहाँ अपना ईयर चूज कर लोगे जिस ईयर पे आपने पास किया था, तो उस पर आ जाएगा मार्कशीट पे, आप चेक कर लेना, ठीक है। और कितनी परसेंटेज बनी है आपकी वो परसेंटेज लिख देना आप यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज, ओके। और किस सब्जेक्ट से, मेन सब्जेक्ट आपको कौन सा, वो मेन सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेना इसके अंदर, ठीक है, और एक अदर सब्जेक्ट भी चूज़ कर लेना अगर चूज़ करना है तो, बाकी मैंने मेन सब्जेक्ट ही चूज़ करा है, आप अदर सब्जेक्ट भी इसमें चूज़ कर लेना, एक से ज़्यादा बोला है, तो इस पर क्लिक कर देना ऐड पे जाके, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ग्रेजुएशन हो गई, अब आपको अगर MA कर रखी है या MSc कर रखी है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने BEd कर रखी है तो मैं BEd को सिलेक्ट करूँगा, नीचे आके, सबसे नीचे आके, तो CTET भी दे रखा है वो भी सिलेक्ट करेंगे बाद में, हम पहले हम BEd को सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। BEd को सिलेक्ट किया, अब कहाँ से आपने BEd की है वो BEd का यूनिवर्सिटी लिख देंगे हम, ठीक है, कितने साल की, 2 साल की थी BEd, ओके, और कब आपने पास किया उसकी ईयर और मंथ लिख देंगे आप, ठीक है, और कितनी परसेंटेज बनी है आपकी वो परसेंटेज लिख देंगे इसके अंदर, जितनी भी आपकी परसेंटेज बनी होगी, ठीक है, वो परसेंटेज लिख दिए मैंने। और यहाँ आप सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे, किस सब्जेक्ट से आपने BEd करी है, जो भी सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने मैथमेटिक्स कर रखी, तो यहाँ मैं मैथमेटिक्स को चूज़ कर लूँगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर, ये मैथमेटिक्स, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और ऐड पे जाके मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब आता है CTET, और CTET क्वालिफाइड होना चाहिए तभी जाके आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो सिलेक्ट पे जाके पहले मैं CTET को सिलेक्ट किया करूंगा, ठीक है, तो यहाँ CTET को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ CTET CBSE कंडक्ट कराते, तो CBSE डाल दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने 1 डाल दिया है, ठीक है, 1 साल का कराया मैंने। और यहाँ जब भी आपने पास की है वो आप डेट डाल सकते हो, दिसंबर में जो भी आपका रिजल्ट आया होगा उस डेट की डेट डाल सकते हो, तो मैंने डेट डाल दी है। और कितनी परसेंटेज बनी है आपकी वो आप इजीली उससे परसेंटेज डाल सकते हो,
और किस सब्जेक्ट में पेपर टू जो आपका सब्जेक्ट था सोशल साइंस था, मैथ था, तो वो चूज़ कर लेना। तो मेरा मैथ था, मैंने मैथ को चूज़ कर लूँगा। आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हो, मैथ और इंग्लिश दोनों था तो वो भी कर सकते हो। जो भी जो सब्जेक्ट हो वो चूज़ कर लेना अपने हिसाब से। तो मेरा मैथमेटिक्स था तो मैंने मैथमेटिक्स को चूज़ कर लिया। तो यहाँ देख सकते हो मेरा मैथमेटिक्स है, तो मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। थोड़ा चूज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ध्यान से चूज़ करना इसको करके, फिर ऐड पे जाके क्लिक कर देना। जैसे ही ऐड पे जाके क्लिक करोगे तो फिर नीचे देखो सब डिटेल्स आ जाएंगी। अब नीचे वाली डिटेल्स को हम फिलअप कर लेते हैं। तो नीचे जो 18 में लिखा हुआ है देख सकते हो, टाइप्स ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो कौन सा टाइप का, CBSE था तो CBSE CTET था, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और ये स्टेप जरूर करना है, क्लिक जरूर करना, अदरवाइज आगे फॉर्म नहीं फिलअप होगा, ठीक है। और यहाँ आपका 12th का रोल नंबर डाल देना है, जो भी आपका 12th का रोल नंबर वो डाल देना है। और यहाँ 12th का आपका पता चल गया, ये 2013 में जॉब की है, आपका भी वहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और क्लेरिफाई इस पर आपको क्लिक कर देना है और प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको एक बार डिटेल्स को चेक कर लेना, मैच कर लेना, कहीं गलती तो नहीं कर रखी, ठीक है, क्योंकि बाद में करेक्शन नहीं होगा। तो उसके जाके आप फाइनल सबमिट कर दोगे। जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दोगे, फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी एक विंडो आ जाएगी। यहाँ देखो ये मैं सबमिट कर देता हूँ, देन ऐसी कोई विंडो आ जाएगी जिसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इस टाइप का कुछ विंडो आ जाएगी। और यहाँ आपका मेन चीज़ लिखी होगी एप्लीकेशन नंबर, जो मैंने ब्लर कर रखा है, आपका यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, ठीक है। और ऊपर आप देख सकते हो पूरा ये चीज़ें, ठीक है। जैसे आपके पास ये आ जाएगा, इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास पर्सनली रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। इसी से आप आगे आके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ देख सकते हो ये लिखा हुआ है, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर गेस्ट टीचर 2020-21, ठीक है। तो इसको आपको सेव करके रखना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर करोगे तो वहाँ एक प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर जाके क्लिक करोगे तो देन आपकी एप्लीकेशन थी वो प्रिंट होके आ जाएगी। और इस एप्लीकेशन को भी संभाल के रखनी है, तो इसमें नेम, फादर नेम, ये सब आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ मिल जाएगी आपको। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टेक केयर, बाय।